एक बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा खुश है, उसे कंपनी ज्वाइन हुए 2 मंथ हुए, उसे फ्री फूड, फ्री गैजेट्स, फ्री पार्टीज, ये सब देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन अचानक एक दिन ये होता है, उसके पास सीधा मेल आता है कि वी आर रिलीजिंग यू फ्रॉम योर एम्प्लॉयमेंट, और उस बंदे की लाइफ वहीं पे ही स्टॉप हो जाती है। अब वो इंसान ये चीज अपने घर पे भी नहीं बता सकता कि उसके पेरेंट्स उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो मेरा बेटा और बेटी है वो मेरे घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे सुधारेगा, लेकिन वहीं जो बच्चा है वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। तो यही सब हो रहा है रिसेशन में, ये रिसेशन की सेकंड लहर है। जिस तरीके से हमने देखा था जो कोविड की लहर आई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, इसी तरह रिसेशन की भी आ रही है। रिसेशन की हमने पहली वो देखी वेव, फिर अब सेकंड वेव चल रही है। एक एस्टिमेट के अनुसार 2 लाख से ज्यादा लोगों की अभी तक जॉब जा चुकी है। तो यार आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि ये हो क्यों रहा है और ये कब तक चलेगा, और हम ऐसा फ्रेशर क्या कर सकते हैं, ऐसा कॉलेज स्टूडेंट अभी रह के कि हमें ज्यादा इंपैक्ट ना करे। बिग टेक कंपनीज लाइक मेटा, गूगल एंड Amazon हैव बीन लेइंग ऑफ अ स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ वर्कर्स। दे आर लेइंग ऑफ 12,000 पीपल इन माइक्रोसॉफ्ट्स केस, 10,000 पीपल इन गूगल्स केस। आप ऐसे बहुत सारी बच्चों की ड्रीम कंपनीज होंगी, अमेजोन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, और बहुत सारी कंपनीज, लेकिन इनकी सच्चाई यही है कि इन कंपनीज ने भी बहुत ज्यादा ले ऑफ करें, वो भी मास फायरिंग, जिसमें हजारों बच्चों की जॉब्स एक साथ चली गई। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ ही हो रहा है, ये सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी सेम चीजें हो रही है। अगर हम कैप जेमनी और बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करें, वहां भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखो यार ऐसा हो क्यों रहा है। मान लो कि आप अमेजोन में काम करते थे, वहां पे एक टीम थी एलेक्सा की, उसको पूरा तरीके से फायर कर दिया। अब जो बंदा वहां पे फायर हुआ है, अब वो मार्केट में आया है, अब वो क्या करेगा, अब जो उसके बेसिक नीड्स होंगे वो सिर्फ उन चीजों के ऊपर खर्च करेगा। मान लो वो पहले जोमेटो, स्विगी यहां से खाना मंगाता रहा, अब उन चीजों को बंद कर देगा, अब क्या होगा, उससे स्विगी और जोमेटो के बिजनेस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, और वो इंपैक्ट जाके सीधे उसके एम्प्लॉइज पे पड़ेगा, और वो भी फायर हो सकता है। तो इस तरीके से चेन पूरी तरीके से चलती जाती है कि एक इंसान फायर हुआ है, वो दूसरे को इंपैक्ट करेगा, वो तीसरे को इंपैक्ट करेगा, और ये चेन चलती जाती है। अब आपके मन में ये थॉट आ रहा होगा कि ये सिचुएशन आ ही क्यों मार्केट में। देखो यार इसका सिंपल रीजन है, जब कोविड आया था, हमने देखा था कोविड आया था 2020 में, तो उस टाइम पे हम सब घर पे कैद हो गए थे, लॉकडाउन हो गया था, और उस टाइम पे हमारे पास एक ही चीज था एंटरटेनमेंट के लिए, वो था हमारा फोन। तो हम जो भी काम कर रहे थे हम अपने फोन से कर रहे थे, हम रील्स देख रहे थे, टिकटॉक बना रहे थे, और यूट्यूब देख रहे थे, और उसी टाइम पे एडटेक सेक्टर भी बूम हो रहा था। तो हमने देखा कि सब लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए और वहीं से सब कुछ काम करने लगे। अब इससे क्या हुआ, जो ये ऑनलाइन वाला एरा था, यहां पे यूट्यूब पे एड वगैरह बनने लगी, यूट्यूब का रेवेन्यू जनरेट हुआ, एडटेक में लोग कोर्सेज खरीदने लगे, तो एडटेक बूम होने लगा, और उन्होंने फिर क्या किया, उससे उन्होंने बहुत ज्यादा हायरिंग कर ली। अब हायरिंग इतनी हो गई है कि जैसे ही कोविड खत्म हुआ, सब कुछ नॉर्मल हुआ, लोगों ने घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया, जो हमारे मोबाइल का स्पेंड टाइम था वो डिक्रीज हो गया हमारा। अब इससे क्या हुआ, जैसे ही वो डिक्रीज हुआ तो यूट्यूब, फेसबुक, इनका रेवेन्यू डिक्रीज होने लगा। अब इनका रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, इनके जो स्टॉक प्राइस है वो गिरने लगे। तो हमने देखा यार एप्पल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गए, इन सबके जो स्टॉक प्राइस है वो काफी हद तक गिर गए थे। अब इनको क्या करना था, अपनी कंपनीज के खर्चों को कटौती करनी थी, तो उसका जो उनको बेस्ट तरीका लगा वो उनको लगा फायरिंग। तो उन्होंने दबा के मास फायरिंग करी है, अपने एम्प्लॉइज के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी कंपनी उनकी फैमिली जैसी है, तो यार ये एक सेकंड थॉट हमेशा याद रखना। अगर आपको कोड लिखना पसंद है, या फिर आपको अपने पैसों से प्यार है, या फिर आपको कुछ भी चीजों से प्यार है, आप उनसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी कंपनी के लिए बिल्कुल ऐसा प्यार दिखा रहे हैं, तो शायद वो कंपनी कब आपकी पराई बन जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे जब कंपनीज ने कुछ और नया ट्राई आउट किया, क्योंकि उन्हें पता था लोगों को ऑनलाइन और शिफ्ट कराना है, जो हमारा फेसबुक था वो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट लाया, वो चाहते थे कि लोग घर पे बैठे कुछ भी जगह ट्रैवल करें। मान लो उनको अपने किसी दोस्त से मिलना है, वो फिजिकली उनसे जाके ना मिले, उससे अच्छा वो मेटावर्स में रह के उनसे मिल ले, तो यही मेटावर्स आता था। फिर हमने देखा बार डीआई, वो भी मार्केट में आया, लेकिन इससे ये हुआ कि यहाँ खर्चे तो बहुत ज्यादा हो रहे थे, लेकिन उसका आउटपुट उन्हें उतना नहीं दिख रहा था। इससे क्या हो रहा था, उनका सिर्फ बर्नआउट हो रहा है, और जिस कारण उन्हें मास फायरिंग करनी पड़ रही है। फिर हमने उसके साथ देखा जो इंडिया के बहुत सारे अटैक, बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, वेदांत हो गया, उन्होंने जम के फंडिंग उठाई, लेकिन जब उनको उनके वीसीज को उतना आउटपुट नहीं मिला, फिर उनको खुश करने के लिए इनको लोगों को फायर करना पड़ा। तो उसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो एक कॉमन पीपल का है। अब जो लोग फायर हुए हैं वो मैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ बेसिकली। फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है, जिन्हें बहुत साल का एक्सपीरियंस है, मैंने एक एग्जांपल देखा था, एक माइक्रोसॉफ्ट का इंसान था, उसे 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस था, फिर भी वो फायर हो गया। तो यार जो फायरिंग चल रही है, जो एक्सपीरियंस लोगों की मेनली जो हो रही है, ये हो रही है टीम बेस्ड फायरिंग की, पूरी टीम को ही फायर कर दे रहे हैं। तो इनका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे में कैलिबर नहीं है कुछ करने का, जो उस इंडस्ट्री में इतने साल से काम कर रहा है उसको कितना नॉलेज होगा। आप सोचो अगर आप हो, मैं हूं, हमें कोई बग आ जाए, तो वो लोग आधी नींद में भी उस बग को सॉल्व कर सकते। तो कंपनी के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनकी सैलरी बहुत हाई हो जाती है उस कंपनी में रहते हुए, तो उन्हें लगता है कि इससे हम कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं इनको निकाल के, इस तरीके से कंपनी अपना पैसा बचाना स्टार्ट करती है। सेकंड होते हैं जो फ्रेशर, जो कंपनी में नए जाते हैं, अब कंपनी इनको भी फायर करना स्टार्ट कर देती है। क्यों कर देती है, वो नहीं चाहते यार वो फ्रेशर को कुछ सिखाए, उसमें टाइम वेस्ट करे, उतना आउटपुट नहीं आता है इनिशियली, तो वो नहीं चाहते यार इतना ज्यादा टाइम रिसोर्सेज एक फ्रेशर पे डाले जाए और वो आउटपुट आने में थोड़ा और टाइम लगे, तो वो क्या करते हैं, वो फ्रेशर को भी फायर कर देते हैं। थर्ड होता है जो थोड़ा जेन्युइन लगता है, लो परफॉर्मर,
लेकिन इसकी भी थोड़ी डेफिनेशन को डिफाइन करनी पड़ेगी, कौन लो परफॉर्मर है कौन नहीं है। जो लो परफॉर्मर को होते हैं उनको वो फायर कर देते हैं, तो मुझे लगता है तीसरा वाला फिर भी जस्टिफाई करता है, लेकिन बाकी दो मेरे ख्याल से उतना जस्टिफाई नहीं करता। आपने देखा बहुत सारी कंपनी प्रॉफिटेबल होती है फिर भी वो फायर कर रही है, तो खैर इसका रीजन क्या है? एक तो वो क्या करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, जो बाकी टीम मेंबर होंगे उन पर प्रेशर आ जाएगा, यार वो फायर हुआ तो अब मुझे और ज्यादा काम करना पड़ेगा। सेकंड, उनकी जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है, जो एम्प्लॉय के ऊपर खर्च होती है उसको बचा लेते हैं और उसको दिखाते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट बनाया। अब देखो यार जो कंपनी है वो किस तरीके से उसको प्रॉफिटेबल दिखाती है, एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो एक कंपनी है उसमें 5,000 एम्प्लॉयज हैं, हर एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 1,00,000 रुपए, तो मैं मान लूं एक साल में टोटल उसमें 600 करोड़ रुपए उन एम्प्लॉयज पे खर्चा हो रहा है। और अब जो कंपनी के एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जैसे मान लो कि उनको फूड देना, उनको अदर सर्विसेज देना या फिर अपने सर्वर कॉस्ट, इन सबको मिला के वो 200 करोड़ रुपए और खर्च करती है। इस तरीके से कंपनी का टोटल खर्चा 800 करोड़ आता है। अब कंपनी मात्र 300 करोड़ का ही रेवेन्यू बना पा रही है, तो उनका जो टोटल लॉस है वो 500 करोड़ का हो गया। अब कंपनी दिखाएगी कि उन्हें 500 करोड़ रुपए वो इस साल बर्न आउट किया। अब उस कंपनी को नेक्स्ट राउंड की फंडिंग उठानी है, और फंडिंग कब उठाएंगे? जब वो दिखाएंगे कि वो प्रॉफिटेबल की ओर जा रहे हैं। अब वो जो 500 करोड़ का जो उन्होंने बर्न आउट किया अगर वो उसको कम कर पाए तभी वो दिखा पाएंगे कि वो प्रॉफिटेबल की ओर जा रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, इसका सिंपल सी मैथ करेंगे, 2,000 एम्प्लॉइज को फायर कर देंगे। जैसे 2,000 एम्प्लॉइज फायर हुए उनके सीधे 240 करोड़ रुपए बच गए। अब 240 करोड़ रुपए बच गए तो 500 करोड़ का जो लॉस था वो गिर के आ जाएगा 260 करोड़ में। अब वो दिखेगा कि पहले साल कंपनी ने 500 करोड़ का लॉस किया, इस साल 260 करोड़ का लॉस किया, मतलब कंपनी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो जो इन्वेस्टर होगा जो उनको नेक्स्ट राउंड की फंडिंग देगा वो अच्छे से आराम से उन्हें मिल जाएगी, इसलिए कंपनी ये सब चीजें करती हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हो रहा है, 2008 का रिसेशन हमने देखा था जिसमें बहुत सारी कंपनी डूब गई थी, लेकिन उस टाइम भी बहुत सारी कंपनी उभर के आई उस रिसेशन से। इस बार भी सेम होगा, बहुत सारी नई कंपनी को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी खुद को बड़ा बनाने के। उस टाइम पे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उबर हो गए, ये कंपनी उभरी थी, तो सेम अभी भी होगा। अभी हमने देखा है असनीर गोवर सर को जो अपना एक नया स्टार्टअप लेकर आए, उन्होंने सीधा ऑफर दिया कि जो मुझे ज्वाइन करेगा उसको मैं 5 साल बाद एक मर्सिडीज गिफ्ट करूंगा। तो वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ आके ज्वाइन है और 5 साल बाद एक मर्सिडीज ले जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे बिजनेस होंगे जो आ रहे होंगे और वो बढ़ेंगे इस रिसेशन के दौरान। अब ये रीजन तो मैंने बताया कि फायरिंग क्यों हो रही थी, किस लिए हो रही थी, क्या उनके पीछे का लॉजिक था, क्यों कंपनियां ये कर रही है। अब मैं बताऊंगा कि आप ऐसा फ्रेशर जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। तो यार फर्स्ट चीज जो आप कर सकते हैं, अपग्रेड योर स्किल्स। यार भैया ये तो हर कोई बताता है कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, लेकिन इसकी स्किल्स होती क्या है? फर्स्ट होगा अपना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये मान लो अगर अभी बार यहाँ पे था क्वालिफाई करने का, अब वो बार यहाँ चले जाएगा, ये होने वाला है क्योंकि जो लोग ले ऑफ हुए हैं उनके साथ अब हमारा मुकाबला है। ये रियलिटी है, जॉब्स कम है, लोग ज्यादा हैं, तो यार जो हायरिंग बार होगा वो जरूर इंक्रीज होगा। अब जब भी हम डीएसए को पढ़ेंगे हम उसे डेप्थ पे पढ़ेंगे, हमें पता होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, उनके पीछे की एनालिसिस क्या होती है, उसको हमें अच्छे से समझना है। तो यार उसके लिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं जहां पे मैंने 7 डे का कोडिंग चैलेंज रखा है बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप मुझे यहां जाके पिंग करें, मैं आपको भी ऐड कर दूंगा। आप रोज मेरा स्टेटस देख सकते हैं, वहां पे मैं प्रॉब्लम देता हूं आपको, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बस, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। सेकंड चीज है, आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट जो हमारे प्रोजेक्ट हैं। अब आप ये मत बोले भैया मैं कौन सा प्रोजेक्ट बनाऊं, किस फील्ड में प्रोजेक्ट बनाऊं, मैं एआई में बनाऊं, एमएल में बनाऊं, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, किस पे बनाऊं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। मैं आपको एक सिंपल सा राय दूंगा, जो आपको अच्छा लगता है उस पे बनाओ। ऐसे फ्रेशर ये उतना मैटर नहीं करता कि आप किस फील्ड में प्रोजेक्ट बना रहे हो, जब आप कंपनी के अंदर चले जाओ उसके बाद आपका फील्ड डिसाइड हो सकता है, लेकिन बिफोर दैट आपके ऊपर चॉइस आप किसके ऊपर बनाना चाहते हो। अब आप बोलोगे भैया कि चलो मैं वेब डेवलपमेंट का बनाता हूं, मैं क्लोन बना देता हूं नेटफ्लिक्स का, क्या वो चलेगा? देखो नेटफ्लिक्स का क्लोन बना सकते हो, अमेज़न का क्लोन बना सकते हो, अब उस पर भी डिपेंड करेगा आप उस क्लोन को किस टाइप का बनाते हो। क्या आप सिर्फ उसका फ्रंट एंड डिजाइन करो, क्या आप उसका बैक एंड डिजाइन करो, क्या आप उस वेबसाइट को डिप्लॉय भी कर रहे हो? तो यार वो चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आपने उस क्लोन को तो बनाया, क्लोन सेम नेटफ्लिक्स का क्लोन 100 बन जाएंगे, लेकिन आपने कौन सा वाला क्लोन बनाया, कितना इफेक्टिव बनाया और आपने उससे क्या सीखा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाए आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या काम कर रही है, ये चीज क्या काम कर रही है, तभी आपको बेनिफिट होगा। कंपनीज अब डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान देंगी इसके बाद। थर्ड पॉइंट है मेक गुड कनेक्शन, अपने जो कनेक्शन है उनको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करो। अगर मान लो आपकी कोई ड्रीम कंपनी गूगल है, तो जो गूगल से रिलेटेड लोग हैं उनसे कनेक्शन बनाने की रिक्वेस्ट करो। अब ऐसा नहीं आप जाए पहले दिन आप बोले भैया मुझे रेफरल दो, मुझे रेफरल दो, ये वाली स्ट्रेटजी बहुत गलत है। आप पहले उनको इंप्रेस करो, जब भी वो कुछ पोस्ट करे आप उसके नीचे कमेंट कर दो, ताकि आप नोटिस हो पाओ कि अच्छा ये बंदा ही मेरे उसमें कमेंट करता रहता है। उसके बाद आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, एक्सेप्ट हो सकती है, उसके बाद आप उनसे चैट कर सकते हो। पहले जनरल बातें करना, सीधा कूद मत जाना, जैसे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पटाने के तरीके ढूंढते रहते ना, ऐसे ही आपको उनको इंप्रेस करने के भी तरीके ढूंढने पड़ेंगे। पहले दिन रेफरल मत मांगना, पहले उनको इंप्रेस करना, वो बहुत ही नेगेटिव वाइब देता है, आप सीधे जाकर रेफरल मांग लो किसी से। और ये बात भी हमेशा याद रखना, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो बहुत खुश होते हैं उनको दूसरे की हेल्प करने में। किसी भी इन्फ्लुएंसर को मैसेज मत करना, वो आपको बहुत ही जेनरिक राय देंगे कि अच्छा ये कर लो वो कर लो और आपका हो जाएगा। लेकिन किसी ऐसे इंसान को करना जिसके ज्यादा फॉलोअर वगैरह ना हो, आप उनसे कनेक्शन भेजना, उनसे बातें करना अच्छे से, वो आपको मेंटरशिप फ्री में दे देंगे, अच्छे से दे देंगे, पर आपको उनको अच्छे तरीके से चूज करना है। और अभी अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो
यार कोल्ड ईमेल करना स्टार्ट करो, जो भी अचार सबको कोल्ड ईमेल करो, जम के करो, 100 मेल करोगे तो 4-5 का रिप्लाई तो आपको आ ही जाएगा। ये मैं सुन रहा हूं कि मैं 100 करूंगा तो मैं 70-80 आएगा, 4-5 ही आएंगे वो भी बहुत है। आपका वो कन्वर्जन रेट वो आपके ऊपर है कि आपकी कितनी तैयारी अभी है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस। आपको इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए अभी से कि मैं किस तरीके से सेव करूं। आपको फालतू खर्चा नहीं करना है, आपके जो अपने फाइनेंस है उनको कंट्रोल में लाना है, ये आपको आगे जाके भी हेल्प करेगा। आपको पता होना चाहिए मैं इन्वेस्टिंग किस तरीके से सीख सकता हूं। इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा चीज होता है, जब आप न्यू जॉब ज्वाइन करोगे तब आपके पास उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में सीख पाओ, लेकिन अभी जब आप हो उस टाइम पे आप इसे अच्छे से सीख सकते हो। तो यार ये जो टाइम है ना हमारा, ये वाला टाइम भी बहुत ही क्रूशियल टाइम है। ये मान लो जैसे हमारा कोविड का टाइम था ना, जहाँ पे उन बच्चों ने जिन्होंने तैयारी करी कोविड में, जिन्होंने मस्ती वगैरह पबजी वगैरह नहीं खेला, उन्हीं को मल्टीपल ऑफर मिले, 8-10 ऑफर कंपनी से मिले थे, तो वही ये बेस्ट टाइम आपके लिए हो सकता है। रिसेशन का टाइम बढ़ ही चला, जॉब मार्केट फ्रीज है, लेकिन जैसे ही मार्केट खत्म होगा जॉब फिर से क्रिएट होंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में क्रिएट होगी। तो उस टाइम में अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो आप बिल्कुल मार्केट फिट बन सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया यार इस जर्नी के दौरान मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील करता हूँ। यार ये सेम चीज मेरे साथ भी होती है कि मैं अभी भी कई बार डिमोटिवेट फील करता हूँ। तो इसलिए यार आप दो चीजें कर सकते हो जो मैं जनरली फॉलो करता हूँ। एक तो आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, मैं एक लक्ष्य वाला गाना सुन लेता हूँ, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, और एक बुंदिया करके एक सॉन्ग, उनको मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ। और जो मैं सेकंड चीज करता हूँ, हेल्प द पुअर पीपल, ठीक है, जो पुअर पीपल है ना उनको हेल्प कर दो, ठीक है, उनको कुछ खिला दो, कुछ भी कर दो, बिस्किट दे दो, आपको अच्छा सा फील होगा अंदर से, आपको लगेगा यार आपने कुछ किया है, तो वो एक पॉजिटिव वाइब आपके अंदर लाएगा। प्यार आप में से जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आपको अपनी कोडिंग जर्नी में कंसिस्टेंट रहना है तो नीचे मैंने नंबर दिया है, आप मुझे उस पर पिंक करो और मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे ऐड कर दूंगा। और बहुत जल्द बहुत बड़ा आने वाला है, इस वीकेंड में बहुत ही बड़ा कुछ धमाकेदार आने वाला है, तो स्टे ट्यून। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में सब खुला रहता है। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.